Dear students, class plus one, unit number 4, chapter number 6, work, power and energy. आज का concept है work. What is work? Work का simply meaning देखें हम हिंदी में काम. आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, book पढ़ रहे हो, क्या आपका काम? खाली बैठे हो, क्या है काम? कोई चीज खा रहे हो, क्या काम? लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट हैज डिफरेंट मीनिंग होगा इसका. वो मीनिंग क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन. काम किया हुआ कब माना जाएगा? व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड देन इट डिस्प्लेस. जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाए. जैसे सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इस कंडीशन पे आ गया यहाँ पे, तो इससे इतना डिस्प्लेस हो गया. डिस्प्लेस कुछ ना कुछ हुआ है, तो काम किया हुआ माना जाएगा. वर्क का फार्मूला एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, तो ए डॉट बी का फार्मूला वेक्टर वेक्टर में ए बी कोस थीटा. तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या गया? एफ डॉट एस यानी एफ एस कोस थीटा. अब हमारे बातों पर निर्भर करेगा. अब आप सोचते हो काम है, तो काम आपकी नजर में किया हुआ काम माना जाएगा, लेकिन फिजिक्स की नजर में वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो किस हिसाब से होगा? तो वर्क डन का हमारा फार्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा. अब यूनिट की बात करें, अगर सपोज दैट अब वर्क डन ये हो गया, तो वर्क डन हमारा तीन प्रकार का होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तीन प्रकार का वर्क होगा. पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा? सबसे पहले हम फोकस करते हैं पॉजिटिव पे. पॉजिटिव कब होगा? कोस थीटा हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. एस हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. फोर्स हमारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. तो अगर कोस थीटा पॉजिटिव की हम बात करें, कोस थीटा पॉजिटिव ये कब होगा? टेंथ में आपने किया है, 0 से 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू होती है 120 जाती है, मींस टोटल क्या रहती है? पॉजिटिव. तो 0 से 90 डिग्री जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल. क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा है वो क्या हो? एक्यूट हो, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव. दूसरा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो? सेम. डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो वर्क डन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव. इसके मीन्स है ये ऑब्जेक्ट है, इधर ही हम फोर्स लगा रहे हैं, यही डायरेक्शन फोर्स की और यही डायरेक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की है. तो इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव. अब किसी भी चीज को हम कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं, मार्कर है, मार्कर को अगर मैं छोड़ूं तो ये जमीन में किस वजह से जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह. जो फोर्स होगी वो क्या है? ग्रेविटेशनल. और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है जमीन की तरफ. जमीन की तरफ मार्कर भी जमीन की तरफ जाएगा, तो मार्कर का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. तो सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा. अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की. नेगेटिव वर्क में कोस थीटा क्या होना चाहिए? तो नेगेटिव. नेगेटिव कब होगा? जब एंगल हमारा होगा 90 to 180 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, 90 से आगे 180 तक, यानी 180 हो सकता है. तो 90 से 180 एंगल होता है ऑब्ट्यूज. जब एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो. इसका मीन्स क्या है? या फिर दूसरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन.
डायरेक्शन की जगह क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का क्या है, अब जो मैंने मार्कर फेंका ऊपर, मार्कर ऊपर फेंका, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे मार्कर कहां जा रहा है, ऊपर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट और ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इसमें एंगल कितना होगा 180, 180 हो गया तो क्या होगा ऑब्ड्यूज। इस केस में हमारा क्या होगा, वर्क डन है नेगेटिव। अब जीरो वर्क एफ एस फोर्स थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसने किसी ऑब्जेक्ट से हमने फोर्स अप्लाई कर दी। अब वर्क डन जीरो कब होगा, जब या तो एस जीरो हो या कोस थीटा जीरो हो। कोस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है, मैं सुबह से लेकर शाम तक इस दीवार को धकेल रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, कितने भी मैं फोर्स लगाऊ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या दीवार आगे जा रही है, नहीं जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो। मीन्स हम कितने भी फोर्स लगाएं, अगर वर्क डन जीरो कब होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस जब एंगल क्या हो 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का केस क्या है, कोई बच्चा है या कोई आदमी है, वो क्या सिर के ऊपर अपनी गठरी लेके लगा रहा है, सिर के ऊपर उसकी गठरी है, यूं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी और गठरी की फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन क्या होगा जीरो। वर्क डन जीरो, जैसे पुली है, पुली हमारा सामान उठाता रेलवे में, वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो पुली का वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, लेकिन उसके शारीरिक थकावट आई है तो वो नॉर्मल जो काम किया वो काम उसका है, लेकिन अपने फिजिक्स ही लैंग्वेज में वर्क डन क्या होगा बिल्कुल जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला एक और एग्जांपल दे दिए, कोई भी इंसान है, कोई भी लड़का है, वो होम पे है, होम से फील्ड में गया, उसके शरीर पे कुछ ना कुछ वजन है, वजन है, तो वो उसके बाद कुछ ना कुछ वजन लेके वो वापस घर पे आ गया, घर पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका जीरो, तो वर्क डन क्या होगा जीरो। तो घर पे आके ये नहीं कह सकता भाई मैं खेत में सामान लेके गया था, चाहे वो सिर पे नहीं है, चाहे पकड़ रखा हो, भाई मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर खेत में गया, वहां पे ये काम किया, वापिस कुछ सामान लाया, मैं थक गया, मैं सोऊंगा, लेकिन फिजिक्स की नॉलेज में क्या है, वो वर्क डन जीरो। क्यों, क्योंकि वो घर से चला दोबारा घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, तो वर्क डन क्या होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क दो प्रकार की, पहली है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट कब होगी, जब फोर्स है वो हमारी क्या हो एब्सोल्यूट फोर्स हो, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो देखिए फोर्स का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस ऑफ थीटा। सपोज दैट थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 कितना होता है 1 FS आ गया। अब बात करते हैं, दो यूनिट हो गए एब्सोल्यूट, एक CGS एक MKS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। तो अब सपोज कर दिया कि फोर्स, CGS में फोर्स की यूनिट क्या होती है डाइन, 1 डाइन, और डिस्प्लेसमेंट C है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो वर्क डन कितना आ गया 1 डाइन इंटू में 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 डाइन सेंटीमीटर। तो वर्क डन यूनिट कब होगा, जब यूनिट डाइन, यूनिट का मतलब जैसे एक तो अपने यूनिट ये चल रही है फोर्थ यूनिट, एक यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 फोर्स लगाएं, यूनिट फोर्स लगाएं, यूनिट डाइन फोर्स लगाएं, और यूनिट सेंटीमीटर की क्या हो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके अंदर मीटर में। तो ये क्या बन जाएगा अपना जो वर्क डन है, 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन 1 न्यूटन मीटर कब होगा, जब यूनिट न्यूटन यानी 1 न्यूटन फोर्स लगे और यूनिट मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 1 मीटर। तो ये फोर्स जो है वो वर्क डन क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 जूल भी इसको कह सकते हैं। सेकेंड